सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सरेस क्या होती है। क्या लगा थी एक्सरेस एक्सरे होती है जब इसे डिस्कवर किया था उसे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता था, इसलिए इसका नाम एक्स रे रख दिया गया। एक्स का मतलब होता है अननोन, वो मतलब जो आप समझ रहे सिर्फ गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो एक्स रेज से शॉर्ट होती है, मतलब सबकी ज्यादा होती है एक्स रेज। एक्स रेज के पास हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ये जो आर्म लाइट है हम हाथ अपना आगे करें तो वो नहीं गुजर सकते, हमारा साया बन जाता है दीवार। लेकिन जब एक्स रेज के आगे करेंगे तो बीच में से गुजर जाएंगे तो हमें सिर्फ अपनी हड्डियों का साया नजर आएगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है, तकरीबन 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ है। एक्स रेज की जो कम्प्लीट प्रॉपर्टीज है ना वो तकरीबन 1912 में सारी डिस्कवर कर दी गई, इसलिए आज तक मैंने आर रेज भी कहा जाता है और रेंटिगन के नाम से जिसने इसे डिस्कवर किया था आर रेज भी से कहा जाता है। अब इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज और डिस्कवर हो चुकी हैं इसलिए इसे आर रेज भी कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे एक्स रेज की प्रोडक्शन के बारे में, ये एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती है। एक्स रेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो जब वो किसी भी मेटल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेंगे, उस एनर्जी को हम एक्स रेज का नाम देते हैं। ठीक है, एक्स रेज का जो ग्राफ हाँ जी नुकसानदेह भी हैं, अगर इनको मतलब आइस के लिए इस तरह के लिए एक्सपोज हो जाएं आइस के साथ तो आइस के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये मेडिकल में यूज भी हो रही हैं डिजीज के इलाज के लिए क्योर के लिए। और दोबारा सवाल पूछे मैं क्लास में था। तो उसके बाद एक्स रेज की प्रोडक्शन में दो स्पेक्ट्रम बनते हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक लाइन स्पेक्ट्रम। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसे हम ब्रह्मास्त्रोलंग दो इसके स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम ब्रह्म एस्ट्रोलंग स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ब्रह्म एस्ट्रोलंग बेसिकली एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन देना। तो ये अब ये दोनों स्पेक्ट्रम बदले कैसे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ये सारी एक बार नहीं देनी, ये सारी तकरीबन एक एक बार
तो ग्रुप ने यार ग्रुप नाम पे ग्रुप बनाया है। अच्छा आप भी लगा लगा देना सारे एक एक चैप्टर है ताड़े को नहीं एक एक टॉपिक टॉपिक और एक चैप्टर यार तो नहीं पूरे ग्रुप को एक चैप्टर है के पूरे ग्रुप को एक टॉपिक है एक टॉपिक का पूरे ग्रुप इतना बड़ा टॉपिक है नहीं नहीं इतना बड़ा था मैं इतना कुछ खा गया बीचों नहीं यार उन्हें साथ है अजी देने सारे सारे मुक्कियों के साथ बंदे को मेरे बात खत्म नहीं मैं तेरे सारे गल्ला रिकॉर्ड करनी एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है चल 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 एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है आपस में आपस है ऐसी डोंट टॉक प्लीज आई विल गो आउट यू नहीं ऐसा सही हो गया अजी मुशावरा खाने बच्चा से वो बच्चा क्लास में खा रहा आप सुना वो ऐसे थे ना आप सुना समय समय दुआ लगी लाई लगी अच्छा एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वहाँ से गुजरता है न्यूक्लियस के पास से बेसिकली न्यूक्लियस इलेक्ट्रोनेगेटिवली चार्ज होता है जब वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो वो अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फास्ट मूविंग होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा अपना स्लो डाउन होकर रास्ता चेंज कर देगा कर्व हो जाएगा थोड़ा सा ना तो इस कर्व होने की वजह से वो स्लो डाउन होगा जब स्लो डाउन होगा तो थोड़ी सी वो एनर्जी रिलीज करेगा गामा रेज की फॉर्म में तो वो एनर्जी एक्सरे होती है इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे वो सारे बैंड होते जाएंगे तो एक्सरे इमिट होती रहेंगी तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता रहेगा अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के दरमियान में ही दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम भी बनता है लाइन स्पेक्ट्रम जो इसका करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी है अब वो कैसे बनता है जब एक एटम के जब एक काफ़ी सारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराते हैं ना पद करें एल सेल है के शेल है एल सेल है एम शेल है इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ टकराएं जो टकराएगा इलेक्ट्रॉन वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो के शेल में होगा इलेक्ट्रॉन वो के शेल में से रिमूव हो जाएगा तो एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो के शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसकी जगह खाली होगी फिर तो एल शेल में वो वापस तो एल शेल से के शेल में जाएगा उसकी जगह लेने के लिए तो फिर के अल्फा बी बनेगी ये नकरत आपका तो बस यार।